यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सीएम जयराम ठाकुर दो दिवसीय बिलासपुर दौरे पर हैं। दो दिवसीय दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। सीएम गुमारवी में बीजेपी नेता करमदेव धर्माणी के घर जाकर उनके निधन पर शोक प्रकट करेंगे और आज नैना देवी में सीएम करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो दो दिवसीय दौरे पर हैं सीएम जयराम ठाकुर। बिलासपुर का दो दिवसीय दौरा सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाना है और आज नैना देवी के दौरे पर भी रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। इसी के साथ लोगों से भी रूबरू होंगे, लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निपटारा भी किया जाएगा और कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा किया जाएगा। और नैना देवी में भी सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा दो दिवसीय दौरे में नैना देवी भी सीएम जयराम ठाकुर जाएंगे और लोगों से भी रूबरू होंगे और साथ ही कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा और जन समस्याओं को सुना जाएगा और उसका निपटारा करने की भी कोशिश की जाएगी। लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, उन्हें सुनकर उन समस्याओं का निपटारा भी किया जाएगा। और दो दिवसीय दौरा है बिलासपुर का, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और करोड़ों की सौगात सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा दी जाएगी और आज नैना देवी भी जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर, साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, क्या कुछ समस्याएं लोगों की हैं, किन समस्याओं से जनता जूझ रही है उससे रूबरू होंगे और लोगों की समस्याओं का निपटारा भी किया जाएगा, साथ ही कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी सीएम जयराम ठाकुर करेंगे। तो दौरे को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं, सुरक्षा बल भी तैनात है। दो दिवसीय बिलासपुर का ये दौरा रहने वाला है जिसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, लोगों से रूबरू होंगे, कई लोगों की जनसमस्याओं को सुना जाएगा, कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाना है। तो बिलासपुर के दौरे को लेकर सभी तैयारियां की गई है। सीएम जयराम ठाकुर बिलासपुर के दौरे पर हैं, कई परियोजनाओं का शिलान्यास आज सीएम के द्वारा किया जाएगा, साथ ही लोगों की समस्याओं से भी रूबरू होंगे सीएम, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, क्या कुछ समस्याएं हैं, किन समस्याओं से जनता जूझ रही है, ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं पूरे हुए हैं उसको लेकर भी आज लोगों की जन समस्याओं को सुना जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिलासपुर से हमारे संवाददाता परविंदर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। परविंदर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास आज कार्यक्रम में रहेगा। परविंदर जी अर्चना, आज मुख्यमंत्री का ये जो बिलासपुर जिला का दो दिवसीय दौरा है उसमें पिछले कल उन्होंने पूरा दिन जो है बिलासपुर में बिताया है और लोगों की जन समस्याओं को सुना और आज उनके जो कार्यक्रम है पूरे नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे जी। और जिस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और कई ऐसे उद्घाटन है जिनका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही जुखाला और बस्सी में जो दो आभार रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली आभार रैली जो है जुखाला में है दोपहर 2 बजे और दूसरी रैली जो है शाम को 4 बजे होगी जो की बस्सी में होगी। तो मुख्यमंत्री आज कई ऐसी सड़कें हैं इस क्षेत्र में जिनका शिलान्यास और भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे और साथ ही बस्सी में जो रिजर्व बटालियन है हमारी 5th उसका जो फायरिंग रेंज है और जो उनका पार्किंग परिसर है उसका उद्घाटन करेंगे, साथ ही वहां पे आवासीय भवनों का जो है शिलान्यास करेंगे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री लोगों से भी मिलेंगे, लोगों की जनसमस्याएं भी सुनेंगे और जो पार्टी वर्कर्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। चलिए शुक्रिया परविंदर शर्मा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिलासपुर का दो दिवसीय दौरा है, दो दिवसीय दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर हैं और आज नैना देवी भी जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर और कई लोगों की समस्याओं को भी सुना जाएगा, रैली को भी संबोधित करेंगे और साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज सीएम के द्वारा किया जाएगा। सभी तैयारियां पिछले दिनों से कार्यक्रम को लेकर की जा रही है, दौरे को लेकर सभी तैयारियां की गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज भी क्या कुछ कार्यक्रम में खास रहने वाला है, लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाना है।